हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने विंडोज अकाउंट में पासवर्ड कैसे लगाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर, अभी हमारे स्क्रीन पे कोई भी पासवर्ड लगा नहीं है। इससे क्या होगा कि हमारा अभी जो सिस्टम है इसे कोई भी आसानी से यूज कर सकता है। चलिए हम सीखते हैं कि इस पर हम कैसे पासवर्ड लगाते हैं। तो पासवर्ड लगाने के लिए पहले हमें डिस्पीसी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारा ये डिस्पीसी हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं। उसके बाद हम मैनेज पे क्लिक करेंगे। जैसे आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। लोकल यूजर्स एंड ग्रुप पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पहला यूजर्स का और दूसरा ग्रुप्स का। तो हमें यूजर्स पे क्लिक करनी है। यूजर्स पे क्लिक करने के बाद हमें हमारा जो अकाउंट है वो दिख रहा है। तो हमारा अकाउंट है, एडमिनिस्ट्रेटर हमारा अकाउंट है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इस पर हम राइट क्लिक करना है। उसके बाद हमें सेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है हमें। अब यहाँ पे हमें न्यू पासवर्ड डालना है, तो हम अपना पासवर्ड टाइप कर रहे हैं। उसके बाद एक कन्फर्म पासवर्ड के लिए पूछेगा, तो कन्फर्म पासवर्ड हम वही पासवर्ड डालेंगे जो हम अपना न्यू पासवर्ड डाले थे। उसके बाद ये ओके के लिए कह रहा है, ओके पर क्लिक करेंगे हम। फिर हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो सिस्टम है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो चुका है। चलिए अब इससे हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना है, कीबोर्ड पे विंडो प्लस ए की को एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद आपको स्पेस बटन को हिट करना है। देख सकते हैं आपको ये पासवर्ड के लिए पूछ रहा है। चलिए हम अपनी पासवर्ड को टाइप करते हैं, एक इंटर करते हैं। देख सकते हैं हमारा सिस्टम लॉगिन हो चुका है और हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे या हमारा विंडो पासवर्ड जो है वो सेट हो चुका है। थैंक यू।